गाइस कैसे हो। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल NRI चौधरी में आपका स्वागत है। और मैं अभी आपके लिए वीडियो एक कंपनी के लेके आने वाला हूँ, लेकिन वो बंदा अभी उस कंपनी में नहीं है, अभी मेरी कंपनी में है वो बंदा। मैंने सोचा जो बंदे मेरे साथ में हैं, क्यों ना मैं उनके उनसे पता करूँ पिछली कंपनियों का बायोडाटा। हम 40 बंदे एक साथ में आए थे, सब रिटर्न थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना, मतलब सब अलग अलग कंपनियों से आए हैं तो उनके बारे में पता करके आप लोगों तक जानकारी पहुंचाऊं। तो अभी कई दिन तक मेरी ऐसे ही वीडियो आएंगी, मुमकिन सलाम वालेकुम। रोजाना। वालेकुम अस्सलाम। तो ये भाई सुभान है भाई। शाहरुख, ये मेरे ही रूम में रहता है, मेरे ही साथ में आया था। तो भाई ये पहले कौन सी कंपनी में था? मुनीफ अलसुबाई, मुनीफ अलसुबाई। मुनीफ के नाम से तो काफी कंपनी देखता हूँ तीन मैं गाड़ी। कंपनी है भाई मुनीफ के नाम से। अच्छा एक कंपनी है मुनीफ अलसुबाई, एक अच्छा अल मुनीफ, एक मुनीफ। अच्छा मुनीफ अल सुबई में थे तुम? मैं था मुनीफ अल सुबाई में, जो अच्छा, नोवा वाटर में चला है। नोवा वाटर में चलक रही है उसकी गाड़ी। हाँ, नोवा वाटर में, नेस्ले में, अच्छा, मनहल वाटर, सितारे हैं उसमें सितारे, टोटल? अच्छा, टोटल सितारे हैं। तो ट्रांसपोर्ट का काम है। कहाँ से कहाँ को चलक रहे भैया? ट्रांस पूरी सऊदी माल, सऊदी। ऑल सऊदी, हाँ, जैसे रियाद से जद्दा आगरे। रियाद से जद्दा। हाँ, अच्छा, तो कितना ट्रिप था? रियाद से जद्दे का ट्रिप था, पहले ट्रिप था 610 रियाल, अभी 760 रियाल, 760 रियाल। इसमें इंक्लूडिंग डीजल, मतलब डीजल इसी में? डीजल इसी में। डीजल इसी में। तो और जैसे अगर तुम्हें रियाद से दम्माम जाना हो, रियाद से दम्माम 300 रुपये, 300 रियाल। तीन सौ रुपये बता और जैसे चलो रुपए ही बोलते हैं हम लोग हमारी ये भाषा में। 300 रियाल। हाँ, 300 रियाल। और हाँ, जैसे अगर दम्माम से डायरेक्ट जद्दा दम्माम होवे, से डायरेक्ट जद्दा होगा तो 910 रियाल। 910 रियाल। अच्छा, और सैलरी कितनी थी? सैलरी थी भाई 1500। 1500 सैलरी थी। हाँ, अभी तुम बता रहे थे अभी वीजे गए उसके 1800 रियाल पे। अभी 1800 रियाल पे वीजे गए हैं, रिटर्न ड्राइवर मांग रही है, और वो बलगर में चलेंगे। हाँ, बलगर? बलगर ले लिए हैं अभी? बलगर ले लिया, बलगर चला रही है, 6 बलगर चल भी रहे हैं अभी। अच्छा हाँ हाँ, तुम्हारी बात होती रहती होंगी जैसे हाँ ड्राइवरों से। बलगर ले लिया उसने, अच्छा, तो मतलब सीमेंट में चलेंगे इधर मदीने से कसिम, यम्बू, जद्दा, मतलब इधर ही जिधर कॉन्टैक्ट मिलेगा। अच्छा, तो जैसे कि मतलब फिर भी तुम्हें महीने के कितने पड़ जाते थे, कितने बच जाते थे काफी के? खा पीएगा तो भैया अपने हाथ में, अंत ऐसी 2000, 2200, 2500। इतने बचा लेते थे। अच्छा, फ्रेश तो ये तुम तो फ्रेश आए थे इसमें, आए थे हम, अभी रिटर्न के लिए गए वीजे? अभी रिटर्न के लिए गए, फ्रेश आए हैं हम इसमें 1200 में। 1200 में, उसके बाद हमें दिए उसने 1300 रियाल 1300। प्लस अच्छा, 1300 रियाल प्लस ट्रिप। ट्रिप, और 15 महीने बाद ही, 18 महीने बाद ही, मतलब हाँ कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का, हाँ और 15-16 महीने बाद ही 1500 सैलरी कर दी। अच्छा, तो इसका मतलब सही है कंपनी? हाँ, बस 100 से बुरी है, 100 से अच्छी है, ऐसी है, मीडियम है, फ्रेश हाँ, मीडियम है। बंदे के लिए, रिटर्न बंदे के लिए सही है कंपनी। सही। अभी फिलहाल तो सही है जी, रिटर्न में 1800 पा रहे हैं, 1800 सैलरी भी है, बलगर भी चलाऊंगे, बलगर का काम भी सही है। अच्छा सही। और जैसे मतलब इसके वीजे कौन से ऑफिस पे गए थे इंडिया में? वीजे तो इसके ज्यादातर उसके पास मिले हैं, खंदरावली का जो मुजाहिद है। खंद्रावली के मुजाहिद के पास? हाँ अच्छा हाँ, कोई ज्यादा बड़ी कंपनी थोड़ा ही बता रहे तुम तो, है बता रहे हाँ है, 100-150 गाड़ी 100-150 गाड़ी हैं, तो उसके पास से तुम आए थे। अच्छा, उसके पास था है भैया। हाँ, खंद्रावली वाले को तो भाई हर कोई जानता होगा, खंद्रावली हाजी मुजाहिद को हर कोई जानता होगा, मैं भी जानता हूँ, हमारे आसपास के लोग सभी जानते होंगे उसे शायद। तो जो भी आना चाहे भाई मुजाहिद से कांटेक्ट कर सकता है इस कंपनी में, अगर आना चाहे तो। कोई अगर वीजे गए हुए हैं तो तुम्हें अगर पता लगे तो देखो भाई, इस भाई ने बताया फुल डिटेल, ये पहले रह के आया है उसमें, तो इसे पता है पूरा उस कंपनी के बारे में। और जैसे रूम देती है कंपनी? हाँ कंपनी का रूम है।
रूम में, जैसे ट्रिप लगा के जाते हो रूम में सोते हो आराम से? रूम, रूम में आराम से। अच्छा, और ऐसे जैसे काम है तो ट्रिप लोड करो चल के, काम नहीं है तो रूम में लेटो। अच्छा, और गाड़ी कैसी है मतलब उसमें सब? गाड़ी तो सही है, यात्रा MP4 गाड़ी है उसमें। MP4 गाड़ी है, गाड़ी भी सही है भाई, MP4 एक्ट्रोस मर्सिडीज वालों की। और जो पुरानी वैसे भी है, जो 14 मॉडल 12 मॉडल 10 मॉडल, वो भी ID गियर वाली है, वैसे नहीं है मतलब कोई भी MP गाड़ी नहीं है। अच्छा, लीवर वाली? लीवर वाली नहीं है। सही। और जैसे कि बाकी और कोई सुविधा, जैसी एक्स्ट्रा सुविधा होती है, मेडिकल सही है जैसे? बस मेडिकल का तो कभी काम पड़ा ना, लेकिन एक दो लड़कों का पड़ा, हाँ 20-15% जमा करना पड़ा। अच्छा, हाँ ज्यादातर कंपनी ऐसे ही बनवाती है, हर कंपनी तो नहीं होती है क्योंकि फुल वाला मेडिकल कार्ड बनवाए। और अदर कोई नई चीज उसके बारे में, कंपनी के बारे में? नई चीज कंपनी के बारे में भैया यो है, कंपनी काट फिट न करती है, गाड़ी खराब होने होने पर ज्यादा काट फिट नहीं करती है। अगर उसकी सरासर गलती है ज्यादा, अगर दिख रहा है बिल्कुल ही सो के चला रहा है, सही से ना चला रहा, जानबूझ के खराब कर रहा। अच्छा, जैसे पानी की वजह से गाड़ी खराब होगी या ऑयल की वजह से गाड़ी इंजन सीज हो गया, हाँ उसमें तो अपनी कमी है क्योंकि इतनी तो देखभाल करनी पड़ेगी अगर हम लोग चला रहे तो। और कंपनी में तुमने देखा जैसे टायरों पर काट फिट कर लगे, थोड़ी बहुत गाड़ी लग जाके पैसे कटेंगे, ऐसे काट फिट ना कंपनी में बिल्कुल। सही है, काट फिट नहीं है तो, क्योंकि इसमें फिर हाँ बहुत कंपनियां काटती हैं भाई पैसे ऐसे। क्योंकि मेरे साथ खुद एक गाड़ी का इंजन नीचे से वो चैम्बर लग गया था, वो इंजन गाड़ी पूरी खराब होगी, मेरा एक रियाल नहीं काटा उसने, ऐसे भेज दिया। अच्छा, चलो फिर तो सही है यार, कंपनी पैसा भी नहीं काटती है। अब देखो जैसे अभी बता रहे पानी और ऑयल चेक करना, ये तो भाई जिम्मेदारी बनती है, हर ड्राइवर की जिम्मेदारी बनती है, अगर तुम यार उससे कमा रहे हो तो इतनी तो जिम्मेदारी बनती है। एक सुविधा ही और सबसे बढ़िया, पूरी सऊदी में कहीं भी गाड़ी खराब हो जाए वहीं मैकेनिक पहुंचेगा कंपनी का मैकेनिक पहुंचेगा, इससे बढ़िया क्या है यार। पूरी सऊदी में कहीं भी कोई सी रोड पर कहीं भी खराब हो जाओ, कंपनी का मैकेनिक पहुंचेगा अगर ना आने लायेगा गाड़ी, फिर तो बेहतर है यार। ये बोल दिया कि उधर सही ना होने के तो उधर से ब्रिंच पे दूसरी राह जाएगी गाड़ी। अच्छा, उधर वो चेंज करेंगे फिर इधर से ले जाएंगे वर्कशॉप से बिंच पर लाद कर आस को। सही, फिर तो बेहतर है यार। ये सब रास्ते में ड्राइवर जलील ना होता बिल्कुल भी, या बहुत सी कंपनी में 5 दिन हो गया मैकेनिक ना आया कंपनी। हाँ बहुत कंपनी ऐसी होती है कि 4-5 दिन भी खड़ा हो जाना पड़ता है, ज्यादा टाइम भी, कुछ कंपनियों में सुनवाई नहीं होती है और काम की भी कमी नहीं है। अभी कार्टून का भी कॉन्ट्रैक्ट है, इधर जद्दे से भी कार्टून जावे, मदीने से भी। अच्छा, नेस्ले में नेस्ले का भी कॉन्टैक्ट है, नोफा का भी कॉन्टैक्ट है, तानी आर्टर का भी कॉन्टैक्ट है, और कार्टून का। अच्छा, रियास से जद्दे अभी से। अभी जैसे मतलब दोनों तरफ से अगर लौट जाएगा उसमें तुम्हारा पैसा बढ़ता था? उसमें अगर जैसे हमें रियास से जद्दे को है, उसमें अभी 760 रियाल का ट्रिप है, तो उसमें रिटर्न ऐसे जाना पड़ेगा उसी ट्रिप में। अगर उससे अदर कहीं अलग जा रहे हो जैसे दम्माम जा रहे हो तो फिर पूरे पैसे देगा दम्माम। सही, फिर तो सही है, जो दम्माम का ट्रिप है वो पूरा देगा। अच्छा, जैसे मतलब अगर लोकल में भी फायदा है, लोकल में गाड़ी मिल जाओ नोफा दम्माम रोड पर 105 नंबर कोबरी पे नोफा वाटर मसना है, वहां से गाड़ी लोड हो गया रियाज की, 120 रियाल दे रहा हो। अच्छा, डीजल अपना है तो उसमें कितने बचे जाओ मतलब ट्रिप के? उसमें ट्रिप के तो अब 120 दे रहा, 50 रियाल आराम से बन गया रोज के 50 रियाल बच गए। दम्माम का भी ट्रिप सही है, रोजाना ट्रिप लगता है उसका जो वो लोकल? हाँ, लोकल वालों का डेली लगता, तो सही है यार, 1500 रियाल वो भी बन जाएंगे, और 1500 या जैसे भी 1800 गई है सैलरी तो 3000 से ऊपर हो जाएंगे, फिर तो सही है ना। हाँ, खाना खर्चा बाद में अपने हिसाब से जैसे करा है। मतलब उसमें से 50 रियाल में खाना खर्चा भी है या 50 रियाल बच जाएंगे? अभी डीजल भी बढ़ गया ना, 120 बढ़ाए हैं मतलब। अच्छा अच्छा, हाँ तो लॉन्ग ट्रिप पे सही है। लोकल में भी इतना खाना किचन विचन रख के चलाने, बहुत से ट्रोले वाले अगर ज्यादा भी ना तो 40 रियाल बचा लेगा, 50 रियाल का डीजल खाएगी, 20 रियाल का खाना खा लेगा, 40 तो फ्री बचा ही लेगा।
हाँ ट्रोलों पे तो यार ये बात भी है कि ट्रोले पे किचन रख के चलाते हैं लोग, खुद अपने हाथ से खाना बना के खाएगा भाई तो सस्ता पड़ता है। यहाँ भी अगर हम रूम पे खाएंगे तो सस्ता पड़ेगा, बाहर होटल से तो भाई महंगा है खाना। मैं खुद ट्रिप की गाड़ी चलाता हूँ तुम्हें पता है भाई, तो होटल पे तो महंगा ही पड़ता है यार। और अपनी वर्कशॉप है कंपनी की। और भाई कंपनी में वर्कशॉप भी है तो कोई भी मतलब जैसे कोई दिक्कत आ रही है गाड़ी में तो वहीं हो जाती है या कहीं बाहर भी ले जानी पड़ती है? ना अगर कितनी बड़ी कमी हो वहीं उसी वर्कशॉप में होगी, इसकी अपनी वर्कशॉप है। सही अगर रोड पर खराब होगी सही होने लायक तो सामान भेजेगा कार में रख के, उधर सही कर मैकेनिक भेज के सही कराएगा, और जो ना होगी तो फिर इधर से बिंच भेजेगा उस पर आज चढ़ डाल के दूसरी, फिर अच्छा उधर उसे एक्सचेंज करेंगे, फिर वो खराब गाड़ी को आपसे रास पर लाएगा, फिर वर्कशॉप में सही कर। सही। तो कहने का मतलब भाई कंपनी सही है, कुछ कुछ हर कंपनी में कुछ कमियां तो होती हैं यार, कोई कितनी भी अच्छी कंपनी है थोड़ी बहुत कमी जरूर होगी। और भाई किसी को अगर हमारे बताने से किसी को हम इस कंपनी के बारे में जैसे बता रहे हैं और किसी को अगर गलत काम भी मिल जाए यार और थोड़ी बहुत उसे कमी लगे तो यार हमें गाली मत देना यार, हम अच्छाई भी बताते हैं बुराई भी बता देते हैं, लेकिन ये आपके अच्छे के लिए हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं यार, तो हमें बाद में गाली मत देना यार, सही है ना? और अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज। ये ऐसी वीडियो आएंगी कई दिन तक क्योंकि मेरे साथ में जो बंदे आए हैं सब वो रिटर्न हैं, तो मैं उनसे पुरानी कंपनियों के बारे में ऐसे ही पता करूंगा, रोज के रोज मुमकिन रोजाना वीडियो आएगी इस पे। अगर मैं रूम पे आऊंगा तो जो भी मिलेगा मुझे उसके साथ में वीडियो बनाऊंगा ऐसी। तो अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।